कौशाम्बी इंटरनेशनल फिल्म्स बैनर के तले निर्मित की जा रही अनन्या पांडे, असलम नूरी खन्ना द्वारा अभिनीत फिल्म हैवानियत का भव्य मुहूर्त करके कौशाम्बी मंझनपुर में शूटिंग शुरू की गई है। केंद्रीय भूमिका में स्टार कलाकार आशु ढोसले और साथ में दो नायिकाएं अनन्या पांडे और किरण बाला हैं। उनकी केमिस्ट्री काफी रोमांचक है, जो कि दर्शकों के लिए सरप्राइज पैक्ड होगा, जिसे देखकर दर्शकों का खूब मनोरंजन होने वाला है। कई हिट फिल्मों की सफल मेकिंग कर चुके फिल्म निर्देशक संदीप मिश्रा इस फिल्म का कुशल निर्देशन कर रहे हैं। इस फिल्म में गीत संगीत भी काफी मधुर बनाया गया है। इसके पहले मुंबई में इस फिल्म का गीत रिकॉर्डिंग करके म्यूजिकल मुहूर्त किया गया था और अब इस फिल्म की शूटिंग भव्य पैमाने पर कौशाम्बी के मंझनपुर के विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उम्दा तकनीकी और बेहतरीन मेकिंग के साथ बनाई जा रही हिंदी फिल्म हैवानियत के निर्माता भोला कौशाम्बी हैं। इस फिल्म के निर्देशक संदीप मिश्रा हैं। भोला कौशाम्बी कृत कौशाम्बी इंटरनेशनल फिल्म्स के बैनर तले बन रही ये फिल्म हाथरस घटना पर आधारित एक सच्ची हैवानियत की कहानी है, जो मानवता को शर्मसार करती और फुल एंटरटेनमेंट और मसाले से भरपूर है। उक्त बैनर तले पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया जा चुका है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर खूब सफलता का परचम लहराया है। हिंदी फिल्म हैवानियत के संगीतकार संजय कुमार हैं, डीओपी अनुपम जायसवाल और सहयोगी कुंदन यादव हैं। नृत्य आर्यन रावत, मारधार हीरालाल, सह निर्देशक सत्येंद्र सोनू का है। प्रोडक्शन सूरज सोनकर, प्रचारक रुपेश विश्वकर्मा है। विशेष सहयोग डॉक्टर अमरेंद्र सतीश गोयल जी का है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार अनन्या पांडे, किरण बाला, रुपेश विश्वकर्मा, इरफान अहमद, असलम नूरी खन्ना, आशु ढोसले, राजू तिवारी, दीपक अर्जुन यादव, रोहन सूरज, रोहित रॉक, जय बाबू, रोहन मौर्या, राज बहादुर जी, हिंदी फिल्मों के चर्चित कलाकार असलम नूरी खन्ना जी इस फिल्म में पिता के रूप में दिखाई देंगे। गौरतलब है कि फिल्म का टाइटल और अनन्या पांडे का नाम देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी होगी। अनन्या के फैंस के लिए ये फिल्म कुछ अलग लेवल की होगी, जिसमें गीत संगीत का तड़का तो होगा ही, क्योंकि अनन्या पांडे अपनी अदाकारी में बहुत कुछ नया दिया है, जो कि उनके फैंस के लिए खुशी की बात है। हमेशा कुछ नया और अलग जोनर की फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर संदीप मिश्रा ने बताया कि ये फिल्म हैवानियत काफी अलग जोनर की फिल्म है, जिसे हर वर्ग के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। फिल्म के निर्माण में पूरी टीम बहुत सहयोग कर रही है, फिल्म सभी कलाकार भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये फिल्म दर्शकों के लिए फुल एंटरटेनिंग है। फिल्म के निर्देशक भोला कौशाम्बी ने कहा है कि ये फिल्म 2021 की सबसे बड़ी फिल्म होगी। इस फिल्म की टेकिंग मेकिंग काफी हटकर की जा रही है। कौशाम्बी जनपद के युवा निर्माता और राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच के जिला अध्यक्ष भोला सिंह कौशाम्बी जी को उल्लू डिजिटल टीवी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम संदीप मिश्रा और मैं निर्देशन के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से काम कर रहा हूं। आज कौशाम्बी फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर से जो निर्मित होने जा रही भोजपुरी फिल्म और हिंदी फिल्म, ये दोनों माध्यम से आ रही है। मैं कौशाम्बी फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर से आज हमारे बीच मुख्य अतिथि माननीय श्री ब्रजेश गौतम जी, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे भोला जी से मैं चाहूंगा कि आप माल्यार्पण करके स्वागत करें। स्वागत के क्रम में मैं श्री सतीश कुमार गोयल जी, UFT News 24 के संपादक, श्री मनोज दुबे जी हिंदुस्तान से भोला जी माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री अरविंद तिवारी जी TV 100 से आप हैं। श्री विपिन केसरवानी जी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। दादा देखिए, हम भगवान की जानते हैं, इतनी थी हमारी कस्टमर की कोशिश की, ठीक है। अब हम प्रयास कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए। देखो भाई राहुल जी, दादा साइन करवा लीजिएगा GST पे, ठीक ना? ठीक है सर, रुपये मेरे साथ करवा लेते हैं सर। डेथ हो गई, अभी डेथ करा दीजिए। चलो बताता हूँ सब लोग।
कितने लोग आप सीजेंट